हेलो दोस्तों, यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखिए बिहार बोर्ड 10th क्लास की रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे और वन क्वेश्चन सभी का एक एक करके पूरा का देखिए विस्तार से बताएंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए लिखते हैं, फर्स्ट में पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया लिख कर डैश देंगे। इसका सर्वप्रथम परिभाषा लिखते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुणों का मूल बिल्कुल भिन्न होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए सिंपल है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसमें लिखेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुणों का मूल बिल्कुल भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए इसमें दो को कोई पदार्थ होता है, ठीक है, ये आपस में ही अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल बिल्कुल इस पदार्थों के क्या चाहिए भिन्न होता है, वैसे समीकरण को हम क्या चीज कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दो वो यौगिक है, आपस में अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है, ठीक है। देखिए दो गो अभिक्रिया आपस में करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका गुणों का मूल बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए इस संतुलित नहीं है तो इसे संतुलित करने के लिए टू लगा देंगे। आगे देखेंगे पूछ रहा है अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं, तो इसे देखिए बुक के साथ हर चैप्टर को एकदम विस्तार से बताएंगे हर क्वेश्चन को, तो लिखेंगे अभिकारक, ठीक है, अभिकारक लिख के डैश देते हैं। लिखेंगे इसका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यहाँ समझिएगा अभिकारक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो इसी को क्या कहते हैं अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है अभिकारक, ठीक है। आगे देखेंगे प्रतिफल लिख के डैश देंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया क्या था, क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिएगा
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ प्रतिफल कहलाता है, जबकि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता था? अभिकारक। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं बताना है, तो सबसे पहले देखिए इसी में लिख देते हैं गैस की उत्पत्ति, दूसरा में अवक्षेप का बनना, ये सब आप लिख लीजिएगा, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। अब आते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है, नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आइए इसका लिखते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेतों द्वारा निरूपण करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों द्वारा निरूपण करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः दो रूप से होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आइए फर्स्ट में देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, इसी को डैश देके लिखते हैं, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरणों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे हम देखेंगे H2+Cl2 तो HCl, जैसे हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, तो ये अभी संतुलित समीकरण नहीं है, तो इसे संतुलित करने के लिए हमें ये साइड भी हाइड्रोजन कितना करना होगा 2, देखिए 2 क्लोरीन भी हो गया, इधर भी कितना हो गया 2 क्लोरीन, तो ये ऐसे समीकरण क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरणों के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा नंबर, असंतुलित रासायनिक समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरणों के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं होता है। ठीक है, देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे रासायनिक समीकरण को कहते हैं जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं होता है। जैसे मैं देखिए उदाहरण से H2+O2 से क्या बना, H2O जल, तो यहाँ पे देखेंगे कि तत्व दोनों और समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2 ये तो है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, यानी ये असंतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि यहाँ देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 तो इधर भी क्लोरीन 2, तो ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब कुछ उदाहरण जैसे दिया हुआ है कि Mg+HCl MgCl2H2 को संतुलित करना है, तो देखिए संतुलित कैसे किया जाता है, देखिए इसे संतुलित करना है Mg+HCl, यहाँ पे था फर्स्ट उदाहरण है, तो आप लोग संतुलित करना सीखिए। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम केटो है 1, मैग्नीशियम इधर भी 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन इधर 2 है, यानी हाइड्रोजन को कितना करना होगा 2,
तो यहाँ पे दो आगे लिख देते हैं, तो दो में हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना हो गया दो। इसके चक्कर में देखिए क्लोरीन कितना हो गया दो, क्लोरीन कितना है दो, यानी ये कैची हो गया रासायनिक अभिक्रिया हमारा संतुलित है। ठीक है, तो कुछ और उदाहरण लेते हैं और आप सीखिएगा कि संतुलित कैसे किया जाता है। H2+O2 अभिक्रिया किया तो H2O ना दिया। ठीक है, देखिए इधर हाइड्रोजन दो है लेकिन हाइड्रोजन दो तो है, ऑक्सीजन दो को है लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है वन, तो इसको टू करने के लिए टू से आगे से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टू तो हो गया लेकिन देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया दो दुना चार, हाइड्रोजन इधर कितना है दो, यानी आगे में दो लगा देंगे तो दो दुना चार हाइड्रोजन भी और दो गो ऑक्सीजन, दो गो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस अब क्रिया करता है तो NH3 यानी अमोनिया का निर्माण कर देता है। अब इसे संतुलित करना है, संतुलित कीजिए, देखिए इधर नाइट्रोजन कितना है दो, हाइड्रोजन दो, इधर नाइट्रोजन वन है हाइड्रोजन थ्री, तो एक को किसी को पकड़ लीजिए तो नाइट्रोजन दो, तो इधर हम दो को संतुलित करते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन के संतुलित करने के चक्कर में हाइड्रोजन कितना हो गया तीन दुना छः, तो इधर भी करना होगा यानी तीन, तो तीन दुना छः हाइड्रोजन, छः हाइड्रोजन, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन। ठीक है, आगे देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करता है यानी गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। अब देखिए इसे संतुलित करना है तो बताइए कैल्शियम, तो कैल्शियम O3 यानी ऑक्सीजन तीन गो है, तो बताइए ऑक्सीजन देखिए दो एक तीन और एक कार्बन यानी संतुलित है। ठीक है, आगे देखिए Mg+O2 अभिक्रिया करता है तो MgO बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखिए मैग्नीशियम वन तो मैग्नीशियम वन यानी कि ऑक्सीजन इधर कितना है दो यहाँ पे वन है, तो सबसे पहले इसे दो करते हैं, इसके चक्कर में मैग्नीशियम कितना हो गया दो, दो यहाँ पे। आशा करते हैं कि आपको संतुलित करना आ गया होगा। इसके साथ आगे देखिए विभिन्न रासायनिक समीकरण पढ़ना, ठीक है, विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया, देखिए फर्स्ट है क्या चीज़ संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं तो आपको हम जल्द जल्द बता देते हैं। संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए ये सब में सिंपल रहेगा, वह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, ऐसे रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसका उदाहरण हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब बीच में अभिक्रिया हुआ तो क्या चीज़ का निर्माण कर दिया जल का यानी H2O का, संतुलित कर लीजिएगा, संतुलित करना सिखाई दिए। सेकंड नंबर देखेंगे जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफ़ेद चून का निर्माण होता है, मैग्नीशियम के फीतों को जलाएँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए सेकंड नंबर वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, दोनों का नाम सेम है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, तो लिख लेते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे सबसे पहले वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म होने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। देखिए यहाँ पे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया दोनों एक ही हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म होने पर दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है जिसका गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ये कैल्शियम
कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, देखिए तो इसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म होने पर, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गर्म होने पर दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या चीज हो जाता है, अपघटित हो जाता है यानी टूट जाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या चीज कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर देखेंगे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपका सारा परिभाषा सरल रूप में लिखाया जाएगा जिसको आप एक दो बार ही पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। किताबी भाषा नहीं है लेकिन हाँ किताब से दम मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, लेकिन किताब से अलग है। यहाँ देखेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो सर्वप्रथम क्या चीज़ लिखेंगे हम लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है, उसे क्या चीज कहेंगे, वैद्युत अपघटन अपक्रिया। देखिए सिंपल है, वो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपघटित हो जाता है, अपघटित यानी टूट जाना। अब इसका देखिए एग्जांपल जैसे देखते हैं हम लोग NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करेंट दे रहे हैं यानी वैद्युत धारा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो इसी को क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। आगे देखते हैं नेक्स्ट चौथा नंबर एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एक एक को लिखेंगे तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए टोटल चैप्टर का भी ख़त्म करना है तथा हर क्वेश्चन को बताना है, तो इसीलिए लिखे हुए हैं उसी से आपको हम जल्दी जल्दी पढ़ के सुना देते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया और समझा देंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के जलीय विलयन में उपस्थित तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के जलीय विलयन में उपस्थित तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के जलीय विलयन में, ठीक है, यहाँ पे कोई यौगिक है इसका जलीय विलयन में उपस्थित तत्व को, यहाँ पे उपस्थित तत्व को विस्थापित कर यानी बाहर निकाल देता है, ठीक है, और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ऐसे अभिक्रिया को क्या चीज कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे आप समझिए सिंपल भाषा में, आप दो दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ और यहाँ, तो आप अपने दोस्त के पास गए और इसे उठा के बाहर कर दिए, इसका स्थान अपना दोस्त के स्थान पे आप बैठ गए, तो इसमें क्या होगा, वैसे में रासायनिक अभिक्रिया कौन सा होगा, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जांपल देख लीजिए, देखिए एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो नंबर का क्वेश्चन अगर रहेगा कि एकल विस्थापन क्या है, तो अगर आप सिर्फ एकल विस्थापन लिख देंगे तो एक ही नंबर मिलेगा, आप जब तक रिएक्शन नहीं दीजिएगा जब तक पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो देखिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े को डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर उस फेरस सल्फेट का निर्माण कर देता है। देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े को डाला जा रहा है तो कॉपर को क्या चीज कर दिया, विस्थापित कर दिया और उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लिया, जहाँ पहले कॉपर था वहाँ कहा गया फेरी। पचवा नंबर देखिए, वह विस्थापन अभिक्रिया क्या है, समझिए यहाँ पे, वह विस्थापन क्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए इसमें कोई दो वो यौगिक होता है, ये अपने आयनों के आदान प्रदान करके एक नया यौगिक का निर्माण करता है, वैसे अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया
के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट, दोनों अपने आयनों को आदान प्रदान करके बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। सिक्स नंबर देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए जब भी अभिक्रिया आएगा तो ये कॉमन रहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के जलीय विलयन अभिक्रिया करके अवक्षेप का निर्माण करता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या चीज कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे में देखिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके क्या बना लिया, देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक जलीय विलयन में अभिक्रिया कर अवक्षेप का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। आगे देखिए उदासनीकरण अभिक्रिया, सातवां नंबर देखेंगे उदासनीकरण अभिक्रिया। देखिए उदासनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग, ये क्या चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है भस्म, ये हो गया अम्ल और ये हो गया भस्म, तो ये अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O जल का निर्माण करता है। NaCl क्या है हमारा, लवण, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, देखिए अम्ल हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भस्म से अभिक्रिया किया और क्या चीज का निर्माण किया, लवण का। आगे आएंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कितना सिंपल है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए H2+Cl2, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, तो ठीक है। देखिए एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है, जैसे देखिए हम ऑफलाइन हमारा क्लास चलता है तो हम एक एक क्वेश्चन को बताते हैं और उदाहरण को साथ, एक नहीं दो तीन चार के साथ, ठीक है। तो इसीलिए अगर वादा करते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो आप 90+ नंबर लाइएगा। देखिए दोस्तों यूट्यूब पे आज तक एक एक क्वेश्चन वो भी बुक के साथ नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए अगला ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएँ क्या है। तो ऑक्सीकरण देखिए सिंपल है, वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें कोई यौगिक ऑक्सीजन से संयोग और हाइड्रोजन का त्याग करता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नामे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से संयोग करेगा, संयोग यानी जोड़ेगा, और देखिए हाइड्रोजन का त्याग करेगा, त्याग यानी छोड़ दिया जाएगा, समझे। अवकरण अभिक्रिया में बिल्कुल इसका विपरीत होता है यानी उल्टा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से संयोग करेगा और ऑक्सीजन को त्याग करेगा, यानी यहाँ पे समझेंगे ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से दोस्ती किया जाता है और हाइड्रोजन को क्या चीज बाहर निकाल दिया जाता है, और अवकरण में उल्टा होता है, हाइड्रोजन से क्या चीज किया जाता है, दोस्ती किया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। एक नोट देख लीजिए, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों क्रियाएँ साथ साथ होती है, ठीक है। से जुड़े हुए दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो दहन क्या है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम वीडियो अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी YouTube पर अपलोड करते रहें।
ठीक है। तो देखिए दहन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं दोस्तों, दहन क्या है। तो देखिए किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। कोई पदार्थ है यानी लकड़ी है, उसे जलने पे क्या चीज़ का निर्माण होगा, ऊष्मा और देखिए प्रकाश की उत्पत्ति होती है। तो इस क्रिया को क्या चीज़ कहते हैं, दहन कहते हैं। जैसे में देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन को आपस में क्रिया किया तो क्या चीज़ बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके साथ ऊष्मा भी और प्रकाश का भी उत्सर्जित होता है। आगे देखेंगे इसके बारे में पढ़ना है ज्वाला दहन। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, दहन के लिए आवश्यक शर्त बताएं। तो सबसे पहला लिखिए दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये क्या चीज़ की ज़रूरत है दहन के लिए, किसी को अगर आग लगाने में, तो देखिए दहनशील पदार्थों को होना बहुत ज़रूरी है, पोषक पदार्थों की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। देखिए आगे पढ़ना है मोमबत्ती का ज्वाला। तो आइए जानते हैं मोमबत्ती का ज्वाला क्या होता है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम के बनी होती है, ठीक है। सबसे पहले समझिए मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा बास में परिवर्तित हो जाता है। यही बास वायु में या ऑक्सीजन में जलकर उत्पन्न होता है जो मोमबत्ती का ज्वाला कहलाता है। देखिए एकदम सिंपल तरीका में लिखा हुआ है, आप एक बार भी याद कर सकते हैं। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम के बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है तथा बास में परिवर्तित हो जाता है। यही बास वायु या ऑक्सीजन में जलकर उत्पन्न होता है जो मोमबत्ती का ज्वाला कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र बताया गया, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल, केंद्रीय मंडल, मोमबत्ती की ज्वाला का मुख भाग। मोमबत्ती के ज्वाला का तीन मुख रूप से होता है, ठीक है। सर्वप्रथम केंद्रीय मंडल, सेकंड में प्रकाश मंडल और तीसरा में प्रकाशहीन मंडल, ठीक है। जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं ज्वाला तीन प्रकार के होते हैं, केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल। आगे देखिए पढ़ना है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी LPG के बारे में, गैस ऑफ LPG। तो सर्वप्रथम लिखिए LPG गैस क्या है। LPG गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए यह खाना बनाने में काम आता है, आप लोग जानते भी होंगे। यह गैस का रिसाव होने के लिए खराब गंधयुक्त मरकैप्टन की अल्प मात्रा मिला दी जाती है ताकि रिसाव होने पर पता चल सके। देखिए दोस्तों हमारे घर में अगर LPG गैस जो जलता है उसमें गंधयुक्त गैस भरा जाता है, उसका नाम मरकैप्टन, ठीक है। अल्प मात्रा में मिला दी जाती है ताकि रिसाव होवे तो पता चल सके। इसका देखिए LPG गैस के दहन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये संतुलित किया हुआ है। इसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म हुआ, एक क्वेश्चन। अब बहुत ही जल्द ही देखिए इसका क्वेश्चन आंसर लाने वाले हैं, सभी का क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है।